केसेस है, कितने वर्स्ट केसेस तक आपके पास डेटा रिकवरी की प्रोसेस? बहुत से ऐसे केसेस हैं सर, जैसे कि जली हुई हार्ड ड्राइव्स भी आई हैं, बहुत सारे बैंक्स भी हमारे कंपनी मतलब हमारे ये हैं क्लाइंट्स हैं, तो बहुत से ऐसी हार्ड ड्राइव्स आई हैं हमारे पास कि पूरी ड्राउंड होती है। तो ये अंधेरी में ही है, अंधेरी में मैं अभी आया हूँ। स्टेलर का ऑफिस यहाँ पे 10th फ्लोर पे है। एक मैं स्टेलर आया हूँ और पता नहीं एक जगह मैं गया था, वहाँ मैंने बोला कि नहीं हो पाएगा। लेट्स सी, वहाँ कम हियर एट स्टेलर। And I have visited this place. तो यहाँ पे मैंने फॉर्म पहले फिल अप तो कर दिया, जस्ट लाइक आई हैव शोन यू अर्लियर, बट आफ्टर दैट आई हैव कम टू द रिसेप्शन। सो शी इज रिसेप्शनिस्ट ओवर हियर। इट वॉज सो नाइस मीटिंग हर, दैट शी वॉज सो काम एंड कम्पोज, एंड शी एक्सप्लेन वेरी नाइसली आई थिंक। सो शी विल टेल यू दैट व्हाट्स द प्रोसेस इफ समवन्स हार्ड डिस्क गेट्स टेम्पर्ड और क्रैश और यू कांट फाइंड एनीथिंग। यस, नेक्स्ट टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द एनालिसिस ओवर हियर। ओके, and before analysis you have to fill a form, as well as you have to pay the analysis charges if applicable. Okay. Like for the companies, na, the private limited companies, they don't have to pay analysis charges, right? Because of the business purpose, we waive off the analysis charges. Okay. And after that, we'll go for the analysis. It may take minimum 4 hours to maximum 1 working day. Okay. And after that, we'll share you the quotation as well as the analysis report. Okay. So if you are okay with that quotation and you are fine with that analysis report, and if there is a possibility of data recovery from your hard drive, from that analysis you will tell me then. Yes, yes, because of the this only we do the analysis, and we'll let you know that the analysis is the data recovery is possible or not. Okay. After that, if you are okay with that quotation, then we'll be doing the further process. Process you'll have to pay 50% of your quotation amount in beforehand, and after that only the recovery process gets starts. After the recovery process is done, you'll get the analysis, you'll get the directory listing, which includes the all the folders names, names of files and folders which we have recovered. Okay. So you can do the verification of the same by AnyDesk or Blue or apps from the Google or anything like that. Okay. And if you are okay with that, you can do the verification at home, or you can come and verify your data even here only. Okay. And if you are done with that this thing and you are okay with the data, you can give us the device, and you can pay the remaining 50% of the amount. After that, you will get the device. You will get your data copied in your another device. ओके, एंड हाउ अबाउट द प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग का आपका क्या रहता है, लाइक मिनिमम प्राइसिंग कितनी स्टार्ट होती है? एक्चुअली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3500 ऑनवर्ड्स। ओके, बट द थिंग इज कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिवाइस। ओके, ओनली आफ्टर दैट ओनली वी कैन बी एबल टू टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट चार्जेस। हाउ मच एग्जैक्ट चार्जेस? ओके, एक्चुअली द डेरिवेशन ऑफ द कोटेशन इज नॉट ओनली फ्रॉम द दिस थिंग फ्रॉम द साइज ऑफ द डेटा। ओके, इट आल्सो इट एक्चुअली मेनली इट टोटली डिपेंड ऑन द टेक्निक व्हिच वी यूज फॉर योर रिकवरी प्रोसेस। ओके ओके, वन मोर थिंग जो आप, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हिंदी में बताएं, क्योंकि आप हिंदी में बहुत अच्छे समझा रही थी, इसीलिए टेल मी समथिंग अबाउट स्टेलर। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम विजिटिंग दिस प्लेस। ओके, स्टेलर एक्चुअली इज अ 24 ईयर ओल्ड दिस थिंग। अच्छा, कंपनी इट इज, वी हैव 15 ब्रांचेस ओवरऑल इन इंडिया। अच्छा, ओके, एंड 190 फ्रेंचाइजीज टू। Okay. So we actually do, basically we do data recovery. Another thing which we do is the Bitrazer. Okay. अगर आपको डेटा टोटली इरेज करना है आपके किसी भी डिवाइस में, राइट, लैपटॉप हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई, उसका मैंने देखा यहाँ पे, सो दिस बिटरेजर इज समथिंग लाइक यू आर। तो बिटरेजर इसलिए होता है ताकि अगर आपको कुछ डेटा डिलीट करना है और वो रिकॉग्नाइज डिलीटेड होता है, कैसे कि आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें सर्टिफाइड डिलीट होता है। Okay. आपको इसके साथ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे बिटरेजर के साथ, ठीक है, जो कि आपको प्योरली बताएगा कि 100% डेटा हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर डिवाइस। और जहाँ तक बात है डेटा रिकवरी की, सो मतलब कितने अच्छे केसेस है, कितने वर्स्ट केसेस तक आपके पास डेटा रिकवरी की प्रोसेस? बहुत से ऐसे केसेस हैं सर, जैसे कि जली हुई हार्ड ड्राइव्स भी आई हैं, बहुत सारे बैंक्स भी हमारे कंपनी हमारे ये हैं क्लाइंट्स हैं, तो बहुत से ऐसी हार्ड ड्राइव्स आई हैं हमारे पास कि पूरी ड्राउंड होती है, डूबी हुई होती है पानी में या जली हुई होती है पूरी तरह से। तो ऐसी भी हार्ड ड्राइव्स हमारे पास आई हैं और उसकी रिकवरी हुई है।
हम 100% रिकवरी की गारंटी स्टार्टिंग में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें पहले चेक करना होता है, एनालिसिस करनी होती है, और उसके बाद अगर पॉसिबिलिटी होती है जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हम निकाल के दे सकते हैं आपके। ओके और जो रिसीव कर, जैसे आपने बोला डायरेक्टरी की बात की, तो जो रिकवर होता है वो वैसे ही फोल्डर वाइज ही रिकवर होता है? नहीं सर, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिवाइस। ओके, कि वो कैसे हमें एक्सेस दे रहा है, हमें वो कैसे बता रहा है कि हम कर सकते हैं। कई बार रॉ फॉर्मेट में भी होता है, कई बार एक्सटेंशन फॉर्मेट में भी हो जाता है, कई बार एक्सटेंशन फॉर्मेट में भी। सो रिकवरी विल नॉट बी एग्जैक्टली जैसे आपने रखा था, डिपेंड्स ऑन द हार्ड ड्राइव। यस, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द हार्ड ड्राइव कि वो कैसे हमें एक्सेस दे रहा है। ओके ठीक है, थैंक यू। व्हाट्स योर गुड नेम मैम? सोनाली। सो ओके, आई थिंक दैट हेल्प्स एवरीवन आउट। एंड यू नो आई हैव पेड द अमाउंट फॉर एनालिसिस राइट नाउ, सो उसके लिए कितने दिन आपने बोला कि कितने? सर मिनिमम 4 आवर्स, मैक्सिमम 1 वर्किंग डे। ओके, सो इतने टाइम में शी विल टेल मी कि इसके बाद इफ इट्स पॉसिबल टू रिकवर नॉट, इफ इट्स पॉसिबल तो कितनी पॉसिबिलिटी है, फिर कितना हाफ पेमेंट मुझे करना है अकॉर्डिंगली एज पर द डेट। कवर जो है इसे एक्सटर्नल केसिंग बोलता है, राइट, ये मुझे ओपन करना होगा। okay. उसके लिए मुझे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर ये 5 TB का हार्ड ड्राइव या 8 TB का या 3 TB का कोई भी हो, फॉर एग्जाम्पल आपकी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फाइल अगर मान लीजिए 1 TB की है या 500 GB की है, अगर कोई भी कस्टमर ये बोलता है या फिर कोई भी कंज्यूमर ये बोलता है कि मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट वो 500 GB वाली फाइल है, सो क्या रिकवरी उस तरीके से भी हो सकती है? नहीं सर, सिलेक्टिव रिकवरी जो है वो बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है। ओके, कैसे होता है ना कि हम जो है हम आपका 100% सारा ही डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, बट ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि ये डेटा निकलेगा ही या नहीं निकलेगा। ओके ओके, सो टोटली आपका जो हार्ड ड्राइव है वो कैसा हमें कितना रिस्पांस दे रहा है, कैसे दे रहा है, टोटली उस पर होता है। एक्चुअली जो टेक्निक जो देखा जाए, जो फिजिकल केस, जैसा आपका केस प्रॉपर फिजिकल केस है, तो इसे हमें एनालिसिस करने के बाद अगर इसकी पॉसिबिलिटी होती है तो हमें इसे गुड़गांव हेड ऑफिस भेजना होगा। Okay. तो उसमें मतलब ये टोटल जो ओवरऑल प्रोसेस हम देखें उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15-20 डेज तक का टाइम लग सकता है। ओके, तो इसे गुड़गांव हेड ऑफिस भेजना होगा, वहाँ हमारे पास 100 क्लीन क्लासरूम्स है, 100 क्लासरूम्स ठीक है, तो वहाँ भेजना होगा। वो ऐसा एटमोसफेयर क्रिएटेड है जहाँ पे ये हार्ड ड्राइव जो है वो बनती है। Okay. मतलब जैसे हर जो कंपनीज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज में, जैसे जो एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे हार्ड ड्राइव बनती है, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि आपका अगर धूल मिट्टी में जा रहा है या आपका फिंगर टिप टच हो रहा है या ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपके डेटा लॉस होने के चांसेस है। गॉट इट। तो इसीलिए जब इसके अंदर का जो हार्ड ड्राइव है उसे, उसके जो स्टिकर्स होते हैं उसे पील नहीं किया जाता है, उसके स्क्रूज को हम घुमा नहीं सकते। Okay. वो सब जो चीज़ें हैं, अगर इसे ओपन भी करना है तो इसे 100 क्लीन क्लासरूम जो है हमारे वहीं पे क्लीन ये ओपन होगा। ओके, वहीं पे ओपन होगा, तो इसे वहाँ ओपन करके इसकी जो भी डैमेज पार्ट्स हैं उसे सेम मॉडल नंबर के दूसरे हार्ड ड्राइव में से चेंज करके, स्पेयर पार्ट्स चेंज करके, और उसकी फिर क्लोनिंग की जाती है, क्लोनिंग करके फिर इमेज बनाई जाएगी। तो ये बहुत ही लेंथी सा प्रोसेस हो जाता है और इसलिए इसमें इतना टाइम जाता है। और अमाउंट वगैरह जो है वो तो एनालिसिस के बाद पता चलेगा। ओके ठीक है, सो आई हैव सबमिटेड दिस टू यू, और मुझे आप कुछ रिसिप्ट दोगे या ईमेल करोगे? आपको ईमेल आएगा, कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगा विद यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो इसके आगे आपको जो भी आपके केस के बारे में पूछना होगा आपको वो आईडी नंबर वो देनी होगी। okay. उसके बाद हम आगे आपको बता सकते हैं उसका स्टेटस जो भी चल रहा है या okay. जो भी प्रोसेस चल रहा है। तो कोटेशन ऑल आप मुझे बता सकते हो फोन पे ही ना चेक करके? ओवर द मेल सब कुछ आएगा, हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन होता है ओवर द मेल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ओके ठीक है, आपको सीसी वगैरह में किसी और को नहीं रखना, नहीं किसी को, दैट्स इट। थैंक यू मैम, थैंक यू, दैट्स इट। थैंक यू। सो बात दरअसल ये है कि अच्छा रुको।